तुम्हारी अगरबत्ती मार का ब्रांड जो है कमाल लग रही है। तुमने फाइनली नोटिस कर लिया? देखो जरा किस तरह मासूम सी पाक साफ छोटी सी लड़की बनके इर्तिजा हसन के साथ इश्क आशिकियां कर रही। मैंने तुमसे कहा था ना कि जो चादर और बुरके में लिपटी हुई लड़कियां होती हैं, they are hypocrites, remember? नौमी तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, मैंने ही शायद इसे पहचानने में गलती कर दी। काश काश मैं इसके शरीफ बाप को दिखा सकूं इसकी ये हरकतें। What's the big deal? सेल फोन निकालो। मैं तो बेरी हूँ। अच्छा? अभी नहीं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। You girl, you. You know what? शादी के बाद मैं तुम्हें एक दफा पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस जरूर करवाऊँ। तुम एक एक पॉलिटिशियन की ऐसी तैसी कर दोगे, ट्रस्ट मी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, कम। What is it? कम ना, आशुए, कम। चलो। No. Come on, trust me. Have it. Believe me, you need to have a sir. Come on. सहबा कहीं नजर ही नहीं आ रही है, तो मुझे घर जाना है। आप प्लीज उसे बुलवा दें। उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आऊंगा। आज से तुम सहबा की नहीं, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। चले।
परेशान हूं। खुश हूं बहुत। अच्छा, वजह जान सकता हूँ खुशी की? इस तारीख में ये खूबसूरत रात, ये पल, इसमें मैंने बहुत कुछ पाया है, इतने एहसास पाया है, एक तजुर्बा पाया है, और इसे मैंने आपको पाया है सब। ये मेरी जिंदगी की सबसे अनोखी, सबसे खूबसूरत रात है, और इसे मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। मैं भी कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें तो थे मुश्क, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। तुमने टाइम देखा है? 1 बजे वापस आई हो तुम। अंबर, मैं वापस आ गई हूं या मैं कहीं खो गई हूं? अंबर, मैं तो वापस आई नहीं हूं, मैं तो वहीं रह गई हूं। किसी ने मुझे अपने वादे के दायरे में कैद कर लिया। उसने मुझे इतना खूबसूरत महसूस करवाया है, मैं तो सारी दुनिया ही भूल गई हूं। कहते हैं कि खुशबू को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने मुझे अपनी मोहब्बत की मुट्ठी में कैद कर लिया है। अंबर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं सोचती हूँ कि वो ख्वाब है या हकीकत। मुश्क, कौन है वो? इर्तजा हसन। इर्तजा हसन है उसका नाम। Thank you.
दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? जवान बेटी पे हाथ उठाएंगे? अगर बचपन में से तवज्जो दी होती तो जवानी में ये काम नहीं करना पड़ता, जो करके मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ। अब भी हाथ ना उठाऊं उसमें, नशे की हालत में घर आई है क्या गार्ड ऑफ ऑनर पेश करूं? तुम्हारी बेजा फेवर्स की वजह से इसका ये हाल हुआ और अब भी तुम इसे फेवर दे रही हो। मैं इसे फेवर नहीं दे रही, आपको समझा रही हूँ। आप तो होश में अकल करें, घर में मुलाजिम है, ड्राइवर है, बात कहां से कहां पहुंच सकती है? छोटी सी बात का स्कैंडल बन सकता है। मैं इससे बात करती हूँ, आप कमरे में जाएं। छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? घर में दौलत की रेल पेल हो, पैसों की बहुतात हो, इंसान अपर क्लास में रहता हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी असल पहचान भूल जाए। Enough is enough, Dad. हम मॉम से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? और आप ही सब कुछ कह रहे, जिनके पास कभी हमारे लिए टाइम ही नहीं होता, तो हमेशा अपना बिजनेस चमकाने में, अपना स्टेटस बढ़ाने में, अपने पैसे कमाने में लगे रहते थे। आप कंप्लेन कर रहे हैं। मैं आई हैव ग्रोन अप, सही है? मैं अपने अच्छे बुरे के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और आज तो आपने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, अगर दोबारा उठाए ना तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते, बस करो। एंड यू डोंट नीड टू स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर, स्टॉप इट। मैं मोहब्बत करने लगा हूँ आपसे। अभी कुछ आग बाकी थी तेरे मिलने बिछड़ने की, मेरा तन मन बिखरने की, मेरी सांसें उखड़ने। मश्क, अब आकर सो भी जाओ, कब तक खड़ी रहोगी यहाँ पे? अंबे, वो कह रहा था अपने पेरेंट्स को भेजेगा। मश्क, एक बात बताओ, तुम आंखें बंद करके उसके ऊपर ऐसे कैसे यकीन कर सकती हो? मोहब्बत की आंखें कहाँ होती हैं? मोहब्बत का तो दिल होता है और कान होते हैं, कान सुनते हैं और दिल मानता है। मश्क, देखो तुम ना ये अम्मी अबू के एतमाद और एतबार को ना तोड़ने वाली बातें कर रही हो। उन्होंने तुम पे एतबार करके तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दी है। अंबर, कभी तो मेरी राजदार बहन बन जाया करो, हमेशा अम्मी जी और अब्बू जी की तर्जुमान बनी रहती हो और उन्हीं की नुमाइंदा बनी रहती हो। वालेकुम सलाम मश्क बेटा। जी अबू जी। बेटा खैरियत नहीं है, इस्माइल मियां की बेगम का इंतकाल हो गया है। ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजू। बस हम लोग जनाजा वगैरह लेकर अभी निकलेंगे अस्पताल से, तुम लोग मगफरत की दुआ करना। ठीक। क्या हुआ? अबर इस्माइल साहब की बीवी का इंतकाल अभी भी। चलो नीचे चलो। अल्लाह को यही मंजूर।
लेव नहीं, यू नीड टू आवर्स। सर टिका के मैं सुकून से मर सकती हूं। ये लो खाना। चल नहीं खाना। ये लो तुम खाओ थोड़ा सा। कितनी बुरी बात है, इस तरह खाने से मुंह नहीं मोड़ते। पता है ना अल्लाह ताला कितना नाराज होते हैं। फिर उन्होंने हमारी मामा को अपने पास क्यों बुलाया, क्यों छीन लिया हमसे? अंबर बाजी, हमें भी अपनी मामा के पास जाना है। अगर हम अल्लाह ताला से दुआ करें तो क्या वो हमें अपने पास बुला लेंगे? बुरी बात, इस तरह नहीं कहते। अभी तो तुम लोगों को बहुत जीना है, बहुत सारी खुशियाँ देखनी है, और फिर अपने बाबा का सहारा भी तो बनना है ना। चल जल्दी से खा लो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ले लो। ये लो, तुम भी खाओ जल्दी से। नहीं खाना। थोड़ा सा, देखो भाई ने खाया ना। गुड गर्ल। साथ चलने की बातें मत किया करें आप। अब तो शायद अकेले ही जिंदगी काटनी है। ऐसी कड़वी बातें करके बहुत मजा आता है ना। नहीं, ऐसे ही तंग करती हूँ आपको। सुना है सास के साथ छेड़छाड़ करो तो बहुत खूबसूरत सुनने पड़ते। तुमसे मिलने से पहले मैं भला कैसे समझा पाता, मेरे सोचने जागने उठने बैठने हंसने बोलने में तुम्हारा तस्वीर शामिल नहीं था। मुश्क, क्या तुमसे मिलने से पहले मैं जिंदा भी था कि नहीं?
बंद कर देगा मुझे। क्यों डर रही हो? बंद कर देगा मुझे। मोहिनी, बंद कर देगा। पता नहीं दीवानी कहाँ निकल पड़ी है। मुश्क बेटा, तुम जाकर देखो, उसे अंदर लेकर आओ। आलिया कह रही थी कि घर से बाहर चली जाती है, कोई मसला ना हो जाए। मोहिनी, हमारे साथ आओ, बैठो, खाना खाओ, चलो आओ, शाबाश। ऐसे मोहिनी, क्या हुआ? I'm really sorry, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। कोई बात नहीं इस्माइल साहब, लेकिन मुझे हो रहा है कि उठ के क्यों आ गई वहाँ से, इसको क्या हो गया एकदम से? दरअसल जब ये स्ट्रेस में होती है तो इस तरीके से बिहेव करती है। I'm really sorry. कोई बात नहीं, बस आप इसका ख्याल करें, अकेली उठ के इधर उधर ना चली जाए कहीं। या तो आप इसे अपने साथ ले जाएं या हमारे साथ वहाँ भेज दें। जी अच्छा, चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है? भाई के साथ रहो। कल से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, फोन ही नहीं पिक कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। तुमने भी तो पहले कभी ऐसा नहीं किया, मेरा भरोसा तोड़ा है तुमने। देखो जो भी, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती ना तो ये बात कभी ना कर। अरे हमारी शादी होने वाली है यार, कल को हम लोग मियां बीवी हो जाएंगे। और इस तरह के मजबूत ताल्लुकात में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, व्हाट्स द बिग डील? नोमी, तुम्हें जरा भी मेरा एहसास नहीं हुआ, तुमने जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे तुमसे ही उम्मीद अच्छा, नहीं। सॉरी चाहिए था। मैं सॉरी करता हूँ, ओके? बस अब ये बताओ कि मिलने कब आ रही है? अरे मैं तड़प रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए यार। हेलो, पता नहीं। देखो अगर तुम नहीं आए ना तो भी मैं बहुत रोऊंगा। आना तो पड़ेगा। देखो अगर तुम नहीं आए ना तो भी मैं बहुत रोऊंगा। साउंड गुड। अगर कोई अच्छा पैकेज ऑफर कर रहा है एक्सेप्ट कर लो, बसूरत से दीगर मेरी दोस्ती का हवाला दरमियान में ना आए तो बेहतर। बिजनेस और जॉब डिविजनिंग में दोस्तियों रिश्तेदारियों को अलग करके रखा जाता है। बिजनेस इज अ बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी। पापा नवीद अंकल काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं मेरे साथ काम करने के लिए, एंड आई थिंक फॉर अ गुड स्टार्ट ये ऑफर अच्छी है। वैसे उन लोगों ने ना हम सबको इन्वाइट किया है, तो मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, इस तरह सिचुएशन और वाजी हो जाएगी। हाँ, सहबा कैसी है? माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची। अच्छा इजाजत हो तो मैं कुछ देर आराम कर लूँ, ये हवाई सफर भी मुझे थका देता है आजकल। ओके, सी यू बाबा।
मामा, मैं पापा से मुझ के बारे में बात करना चाहता हूँ। नहीं, अभी बिल्कुल बात मत करना उनसे। जब उनका मूड अच्छा होगा ना, जब बात करेंगे। और आपको लगता है हजरत मान जाएंगे? काफी स्टेटस कॉन्शियस हैं जनाब। क्यों नहीं मानेंगे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं उन्हें मना लूंगी। मेरा बेटा जहां कहेगा ना, मैं उधर ही उसकी शादी करूंगी। लेकिन कम से कम मुझे उस लड़की से मिलवा तो दो। मुश्किल है उसका नाम, और मैं बहुत जल्द आपसे मिलवाने लाऊंगा उसे। कितना प्यारा नाम है माशाल्लाह उसका। बस किसी तरह ये पापा मान जाए ना, तो बात बन जाए। हाँ, मान जाएंगे मान जाएंगे, फिक्र नहीं करो, मना लूंगी। हेलो सोबी, सोबी इतनी डिप्रेस क्यों है यार? हाँ, वी लव ईच अदर, वी आर मोर देन फ्रेंड्स, वी आर सो क्लोज यार। फिर तुम्हारी ये डिप्रेशन की वजह ना मेरी समझ नहीं आती। कॉलेज भी नहीं आ रही हो तुम्हें पता है? तुम कॉलेज नहीं आ रही थी ना, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर कॉरिडोर में जाकर आवाजें लगाऊं, सोबी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ये बताओ क्या मुश्क मेरा पूछ रही थी? वो अगरबत्ती 70s की हीरोइन, वो खुद कॉलेज नहीं आई। व्हाट? वो किताबी कीड़ा, वो पढ़ाकू तरीन लड़की कॉलेज नहीं आई? हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि मुझे लगता है कि सारी रात जागती आंखों से इर्तिजा के सपने देखती रही। चले। No, you are right. Fine. For God's sake, मुश्क, आइंदा मेरे साथ ये कभी मत करना। कैसा? तुम नहीं जानती ये दो दिन मैंने कैसे गुजारे। तुमसे रابطہ नहीं हो पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मर जाऊंगा मैं। अल्लाह ना करे। ये मोहब्बत भी क्या चीज होती है ना, दो अनजान लोगों को सना शाही बख्श देती है, ऐसे जोड़ देती है कि फिर बिछड़ने का तसव्वुर भी नामुमकिन हो जाता है, है ना? क्या? हाँ, मैं तुम्हारे साथ इन्हें लंबे लंबे डायलॉग्स मार रहा हूँ और तुम आगे से सिर्फ कह रही हो हाँ। अच्छा तो फिर क्या कहूँ? यही कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत होने लगी है। इत्तेज़ा, मोहब्बत ना लफ्जों की मोहताज नहीं होती। समाते भी इजहार मांगती है मेरी जान। वैसे तुम्हारी एक चुप भी ना हजार लफ्जों पे भारी है। तुमसे मिले तो जाना, खामोशी में भी जलता रंग बचते हैं। और आपसे मिलकर जाना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अच्छा, और पता नहीं, बस अभी तो बस मैं सिर्फ आपके बारे में सोचती हूँ। इतना डिप्रेसिंग माहौल था, मेरे तो सर में दर्द हो गया। बुरी बात है मश, ऐसे नहीं कहते। ठीक ही तो कह रही हूँ, देखा था कितनी वीरानी थी, और सबसे ज्यादा वहशत तो मुझे उस पागल लड़की से आ रही थी। वो पागल नहीं है मश्क, ये अल्लाह की मर्जी होती है कि वो किसी को कैसे पैदा कर दे। सच्ची बात है, मुझे तो इस्माइल मियां पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने उनसे कहा भी कि आप चंदनों के लिए बच्चों को हमारे यहाँ छोड़ दिया करें, दिल भी बहल जाएगा और ध्यान भी बढ़ जाएगा।
लेकिन बच्चों को खुद से निपटा कर रोने लगे कि राय माँ बाप अब यही तो मेरे जीने का सहारा। दिल कट रहा था मेरा देखकर। और फिर अम्मी जी कब तक इस्माइल भाई अपने बच्चों को दूसरों के पास छोड़ेंगे? और फिर उनकी बहन, उसके लिए तो उनको जल्द से जल्द कोई ना कोई इंतजाम कर लेना चाहिए। कैसा इंतजाम? यही दूसरी शादी। इस्माइल भाई से कौन करेगा दूसरी शादी? क्यों नहीं करेगा, उनमें बुराई क्या है, अच्छे खासे तो हैं, उम्र भी इतनी नहीं है उनकी, पर्सनालिटी भी उनकी अच्छी है, कोई भी औरत उनसे शादी कर सकती है, क्यों अम्मी जी? ठीक कह रही हो अम्मा, वाकई इस्माइल मियां की कोई इतनी उम्र तो नहीं है, अक्सर मर्दों की थी इसी उम्र में पहली शादी होती है। तो ठीक है अम्मी जी, लेकिन मैं तो उनके बच्चों की वजह से, और वो जो बहन है आपको पता ही है वो कैसी है, उन लोगों की वजह से कौन करेगी उनसे शादी, कौन रहेगा उस घर में? होती है बेटा, अपनी अपनी किस्मत लेकर आती है, कोई बेवा हो जाती है, कोई तलाक याफ्ता होती है, और कईयों की शादियां नहीं होती तो बैठे बैठे उम्र निकल जाती है। इस्माइल मियां की उम्र की मुनासिबत से लड़की मिल जाएगी, हम ढूंढ लेंगे, ढूंढने में क्या बुराई है? कितने मैसेजेस आ रहे हैं मुश्क। मुझे लगता है कि अब तुम मिर्तजा भाई से बोलो कि वो अपने घर वालों को यहाँ भेज दें। देखो ये मामलात ना ज्यादा अरसे नहीं चलते हैं, और फिर तुम मिर्तजा भाई की हर बात को लेकर इतनी संजीदा हो जाती हो, मुझे डर लगने लग जाता है। सहबा को देखा है कॉलेज नहीं आई? वहाँ नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, हैरत है इतने दिन से कॉलेज कॉलेज पता नहीं क्यों। हाय, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है सहबा कॉलेज क्यों नहीं आ रही? खैरियत तो है, अल्लाह करे सब ठीक हो। बिल्कुल ठीक है, उसे क्या होगा, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, बल्कि जहां से गुजरती है शोर डाल देती है। मैं ये बात नहीं कर रही थी, मैं उसकी तबीयत की बात कह रही हूँ कि अल्लाह करे वो खैरियत से हो। सहबा को छोड़ो ना यार, हाउ वाज द पार्टी? और
मेरे घर आकर कैसा लगा तुम? जी सब सब अच्छा था। और इर्तिजा से मिलना कैसा लगा? देखो अगर तुम फिर से उससे मिलना चाहो तो मेरा घर हासिल है, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। लेकिन एक अंकल है, उससे पहले एक बार मुझसे मेरे घर आकर मिलना।